हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मनीष, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, आरआर कॉलेज अलवर। पिछले वीडियो में हमने ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप को डिस्कस करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप देखा था हमने कि वहाँ पर जो बैकग्राउंड था वो एकदम ब्राइट यूज किया जाता है, और लिविंग स्पेसीमैन को देखने के लिए हमें उनको क्या करना पड़ता है, स्टेन करना पड़ता है, जिसके कारण उनको तो कुछ लिमिटेशंस वहाँ पर प्रेजेंट थी। उन लिमिटेशन वो क्या थी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या होना चाहिए, पिगमेंटेड होना चाहिए। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्लियरली विजिबल करने के लिए स्टेन नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि ये पैरामीशियम, यहाँ पर हम डायग्राम में देख सकते हैं, इसको अगर स्टेन करेंगे तो ये इसकी डेथ हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक और माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, जिसको हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में, तो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इसके जो बैकग्राउंड यहाँ पर हम यूज करेंगे वो बैकग्राउंड इसका क्या होगा भाई, डार्क बैकग्राउंड यहाँ पर यूज करेंगे। सिंपली जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं तो एकदम सिंपली सब पीछे क्या होगा, एकदम ब्लैक दिखाई देगा। जैसा कि ये जो बीच वाली इमेज है आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर कोई स्पेसिमेन रखा हुआ नहीं रखा है तो सिंपली हमें क्या दिखाई देगा, एकदम बैकग्राउंड ब्लैक दिखाई देगा। और जैसे इसके ऊपर कोई स्पेसिमेन हमें रखेंगे तो वो क्लियरली एकदम, जैसे कि ये रेड कलर का है तो हमें इजीली यहाँ पर दिख जाएगा ब्लैक बैकग्राउंड के कारण। तो इसलिए इस प्रकार की माइक्रोस्कोप हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो कंट्रास्ट है वो नेचुरली जो उनमें मौजूद है उसके कारण ही, जो पिगमेंट्स मौजूद नहीं है उसके कारण भी, मतलब सिंपली हम ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसमें पिगमेंटेशन हो, अगर कोई ट्रांसपेरेंट एनिमल है तो सिंपली उसको भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? अच्छा, लाइट माइक्रोस्कोप की बात कर रहे थे, तो ब्राइट हमने देख लिया, डार्क हम ही देख रहे हैं। इसके अलावा एक और माइक्रोस्कोप है फेज कंट्रास्ट, वो भी लाइट माइक्रोस्कोप ही होती है, जो कि हम अगले वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डार्क फील्ड पे आते हैं। तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में जो बैकग्राउंड है वो डार्क किस कारण हो जाता है, तो यहाँ पर सिंपली जो कंडेंसर लाइट है और जो लाइट ऑफ सोर्स है, जो भी लेंस वगैरह हम यूज करते हैं, इन दोनों के बीच में हम एक डार्क पैच या फिर डार्क फील्ड पैच स्टॉप क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके कारण क्या होता है कि ज़्यादा जो लाइट है वो स्पेसिमेन के ऊपर नहीं गिरती है, सिर्फ जो बैकग्राउंड लाइट है वो ही क्या अब तक स्पेसिमेन तक जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड लाइट स्पेसिमेन के ऊपर जाएंगी और स्पेसिमेन से वो स्कैटर्ड होकर वही लाइट आगे ऑब्जेक्टिव लाइंस द्वारा कलेक्ट कर ली जाएगी और उससे ही इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप जो है, इन दोनों में जो अंतर है वो इस डायग्राम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पर्पल कलर आपको देखने को मिल रहा है, ये लाइट एरिया क्या है भाई, ये लाइट एरिया, तो एरिया कवर्ड बाय लाइट। तो जैसा कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर पूरा जो एरिया था वो लाइट के द्वारा फुलफिल है, मतलब कि किसी प्रकार का यहाँ पर पैच स्टॉप यहाँ पर यूज नहीं होता है, पूरा का पूरा एरिया इल्यूमिनेटेड होता है और स्पेसिमेन तक फुल लाइट हम वहाँ पर पहुँचाते हैं और उसी से इमेज का फॉर्मेशन होता है। इस कारण से बैकग्राउंड है वो भी कैसा, एकदम ब्राइट यूज होता है, ब्राइट हमें दिखाई देता है। जबकि डार्क फील्ड में हम यहाँ पर इस ये जो एरिया है, इतना इतना एरिया यहाँ पर हमने क्या यूज कर दिया है, एक
पैच स्टॉप यूज कर लिया है। इसके कारण अब सिर्फ साइड से जो बैकग्राउंड लाइट है वो ही यहाँ से आगे जाएगी। अब इस बैकग्राउंड लाइट जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे जाकर ये गिर रही है। ये हमारा क्या रखा है भाई, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर, ये लाइट यहाँ पर जाकर इससे क्या हो जाएगी, इसकी स्कैटरिंग हो जाएगी। स्कैटरिंग होने के कारण अब इस स्कैटर्ड लाइट को इस ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, कलेक्ट कर लिया जाएगा। और इस ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा क्या किया जाएगा भाई, इमेज का फॉर्मेशन किया जाएगा। और इस इमेज को किसके द्वारा देख लिया जाएगा, आईपीस लेंस के द्वारा और मैग्नीफाई कर दिया जाएगा। और आईपीस मैग्नीफिकेशन को हम अपनी आई से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो लाइट है उसके जो है बैकग्राउंड लाइट ही ऑब्जेक्ट तक जाती है और वो स्कैटर्ड होके उसी से ही इमेज का फॉर्मेशन होता है। इस कारण से हमें जो बैकग्राउंड है वो कैसा दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है एकदम, क्योंकि यहाँ पर जो लाइट है वो पूरी तरह से स्पेसिमेन को क्या नहीं करती है, इल्यूमिनेट नहीं कर पाती है। अब यहाँ पर इस डायग्राम से हम सिंपली देख सकते हैं, यहाँ पर ये पैच स्टॉप, डार्क फील्ड पैच स्टॉप लगाया गया है। डार्क फील्ड पैच स्टॉप इस प्रकार से दिखाई देता है, ये जो एक राउंडेड स्ट्रक्चर होती है जहाँ पर कुछ एरिया यहाँ पर क्या, बीच का जो एरिया है ये ओपेक होता है और बाकी का जो साइड का एरिया है वो लाइट के लिए क्या होता है, ट्रांसमिसिबल होता है, ठीक है। अब कंडेंसर लेंस से जो लाइट है वो स्पेसिमेन तक जाती है। स्पेसिमेन से लाइट जो है, अब दो तरह की लाइट यहाँ पर जनरेट होती है, एक होती है अनरिफ्रेक्टेड लाइट और एक होती है रिफ्रेक्टेड लाइट, ठीक है। तो अनरिफ्लेक्टेड लाइट है वो तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव लेंस से साइड से गुजर जाती है, जो आगे नहीं जाती है। और सिर्फ जो रिफ्लेक्टेड या फिर स्कैटर्ड लाइट है उसके द्वारा ही इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये जो अनरिफ्लेक्टेड जो लाइट थी ये इमेज फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करती है। तो इस कारण से जो बैकग्राउंड है वो सारा, इसको ही हम मतलब बैकग्राउंड लाइट भी बोलते हैं। तो बैकग्राउंड लाइट जो है वो यहाँ साइड से होकर गुजर जाती है, सिर्फ स्कैटर्ड लाइट ही हमें यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस पे दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर हमारा जो स्पेसिमेन है वो ही हमें दिखाई देगा, पीछे का बैकग्राउंड जो है वो एकदम ब्लैक दिखाई देगा। और इस प्रकार से ही हमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको इजीली देख सकते हैं। तो ये ब्राइट डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप होती है, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के बारे में देखेंगे, जो कि इसका ही एक एडवांस रूप है लाइट माइक्रोस्कोप का। तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है इसमें हमें इसके जो ऑब्जेक्ट्स के जो साइड कॉर्नर्स हैं वो हमें क्लियरली दिखाई नहीं दे पा रहे। जैसे कि मान लो ये पैरामीशियम है, तो पैरामीशियम के चारों तरफ आपको पता है सीलिया होते हैं, तो अब सीलिया हमें यहाँ पर क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में। तो उनको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए जो नई माइक्रोस्कोप आई जिसको हम फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप बोलते हैं, इस फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।